नमस्कार दोस्तों, आपके अपने वैदिक एस्ट्रो लाइफ यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वृश्चिक राशि वाले जातकों का नवंबर 2024 का महीना कैसा रहेगा, आपके जीवन में क्या परिवर्तन देखने को मिल सकते हैं। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल में नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी के बटन पर क्लिक कीजिए ताकि हमारी वीडियो आपको सबसे पहले प्राप्त हो। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको संपूर्ण जानकारी देंगे, वीडियो को अंत तक जरूर देखें ताकि इसमें कही गई बातें आपको अच्छे से और स्पष्ट समझ में आ सकें। तो आइए चलते हैं वीडियो की ओर। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि वृश्चिक राशि वाले जातकों की कुंडली में कौन से ग्रह कहाँ विराजमान हैं और आपको कितने अच्छे रिजल्ट देने में सक्षम रहेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं, इस वीडियो के अंतर्गत एक कुंडली बनी हुई है जो कि वृश्चिक राशि वाले जातकों की है। आपके लगन में ही बुध और शुक्रदेव विराजमान हैं, आपके फोर्थ हाउस में शनिदेव विराजमान हैं, आपके फिफ्थ हाउस में राहुदेव विराजमान हैं और वहीं आपके सेवंथ हाउस में देवगुरु बृहस्पति विराजमान हैं। आपके नाइन्थ हाउस में कर्क राशि के साथ मंगलदेव विराजमान हैं, आपके एलेवंथ हाउस में कन्या राशि के साथ केतुदेव विराजमान हैं, वहीं आपके ट्वेल्थ हाउस में तुला राशि के साथ सूर्यदेव स्थित हैं। तब आइए जानते हैं कि आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा नवंबर 2024 में। तो यहाँ पर वृश्चिक राशि वाले जातकों का जो स्वास्थ्य है, तो आप देखेंगे आपके जो राशि के स्वामी बनते हैं मंगलदेव, वो मंगलदेव बैठे नाइन्थ हाउस में और सूर्यदेव आपके ट्वेल्थ हाउस में बैठे हैं। तो कहीं ना कहीं से वृश्चिक राशि वाले जातकों को आँखों से दिक्कत हो सकती है, क्योंकि सूर्यदेव ट्वेल्थ हाउस में जब आते हैं तो कहीं ना कहीं से आँखों की समस्या को पैदा कर देते हैं और आपके कहीं ना कहीं शरीर में अकड़न, दर्द इत्यादि देखने को मिल सकता है, बॉडी पेन हो सकता है, लेकिन कोई बड़ी बात नहीं रहेगी, नॉर्मली रहेगी। अब आइए चलते हैं कि वृश्चिक राशि वाले जातकों का प्रेम प्यार कैसा रहेगा। दोस्तों, जैसा कि आपके फिफ्थ हाउस में राहुदेव विराजमान है और फिफ्थ हाउस से ही हम देखते हैं कि आपकी पढ़ाई लिखाई कैसी रहेगी और प्रेम प्यार कैसा रहेगा। दोस्तों, बता दें कि यहाँ पर जो आपका प्रेम प्यार है बहुत ही बेहतरीन रहने वाला है, क्योंकि इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होगी। राहु जब भी फिफ्थ हाउस में आते हैं तब तक तो हमेशा प्रेम प्यार को लेकर बहुत ही अच्छा रिजल्ट देते हैं, क्योंकि जो ये राहु है ना, अपने प्रेम प्यार को कभी छोड़ ही नहीं सकता है। मतलब दिन भर उन्हीं के बारे में सोचेंगे, अपने पार्टनर के बारे में सोचेंगे, तो आपके लिए अच्छा है ये, प्रेम प्यार के लिए भी अच्छा है। और जो फिफ्थ हाउस के स्वामी बनते देवगुरु बृहस्पति, वो भी अच्छी कंडीशन में है, तो कुल मिलाकर आपका प्रेम प्यार अच्छा रहेगा। वहीं अगर पढ़ाई की बात की जाए तो पढ़ाई अच्छी रहेगी कि नहीं, तो दोस्तों बता दें पढ़ाई आपकी अच्छी नहीं रहेगी, क्योंकि प्रेम प्यार के लिए तो अच्छा है, लेकिन पढ़ाई के लिए जो राहु है ना, इधर उधर की चीज़ों में ज़्यादा मन लगाता है। मतलब पढ़ाई में वो स्थिर नहीं रहेगा, क्योंकि यहाँ पर उसका मन एकाग्र नहीं रहेगा, ऑनलाइन की चीज़ें में ज़्यादा ध्यान देगा, खेलने में ज़्यादा ध्यान देगा, है ना। मतलब पढ़ाई को छोड़कर वो सारे काम करेगा, तो यहाँ पर इतनी अच्छी पढ़ाई आपकी नहीं रहेगी, पढ़ाई से मन आपका भटक सकता है, ये चीज़ें देखने को मिल सकता है। अब आइए जानते हैं कि आपका वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा नवंबर 2024 में। दोस्तों, आपका जो वैवाहिक जीवन है वो तो अच्छा है, लेकिन 16 नवंबर के बाद थोड़ा सा दिक्कत पैदा कर सकता है, वाद विवाद के योग बन सकते हैं, क्योंकि जैसे ही सूर्य देव 16 नवंबर को अपना राशि परिवर्तन करके लगन में आएंगे तो उनकी सातवीं दृष्टि सीधे सेवंथ हाउस पर जाएगी, जहां पर आपके पार्टनर के हेल्थ में थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है या फिर क्रोध अग्रेशन ये देखा जा सकता है, लड़ाई झगड़े उत्पन्न हो सकते हैं। तो 16 नवंबर के बाद आप अपने वैवाहिक जीवन में ध्यान दीजिएगा, उसके पहले तो अच्छा है। बात करें आपके व्यापार के बारे में, व्यापार आपका बहुत ही बेहतरीन रहेगा, व्यापार से रिलेटेड आप कोई भी कार्य करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पर आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छे रिजल्ट देखने को मिल सकते हैं। अब आइए जानते हैं कि आपका जॉब कैसा रहेगा नवंबर 2024 में। दोस्तों, आपके टेंथ हाउस में सिंह राशि है, जिनके स्वामी बनते हैं सूर्यदेव, वो 16 नवंबर तक तो बारहवें घर में रहेंगे, तो यहाँ पर आपका जो मन है ना, काम पर नहीं लगेगा और कहीं ना कहीं से आपके जो बॉस हैं, सीनियर हैं, उनसे बहस हो सकता है, लड़ाई झगड़ा हो सकता है, थोड़ा सा उनसे बच कर रहें, अन्यथा आपकी नौकरी में भी खतरा हो सकता है। छोटी छोटी बातों को लेकर गुस्सा ना करें, लेकिन 16
नवंबर के बाद अच्छा है, जैसे ही सूर्य का ट्रांजिट होगा तो वहाँ पर आपको अच्छे रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएंगे, नौकरी मिलने के योग बन जाएंगे, प्रमोशन के योग बन जाएंगे, ट्रांसफ़र के योग बन जाएंगे, मतलब जो भी आप नौकरी से जुड़े परिवर्तन करना चाहते हैं या फिर चाहते हैं तो वो हो जाएगा, यहाँ पर योग बने हुए हैं। अब आइए जान लेते हैं कि आपका भाग्य कैसा रहेगा, भाग्य से जुड़े कार्य आप क्या क्या कर सकते हैं। दोस्तों बता दें कि यहाँ पर आपके नाइन्थ हाउस में मंगल देव हैं, तो भाग्य आपका अच्छा है और आपको काफ़ी ज़्यादा रिजल्ट देखने को मिलेंगे। यहाँ पर नवंबर के महीने में आपको भाग्य से जुड़े दोगुना फल की प्राप्ति होगी। नवंबर 16 नवंबर 2024 के बाद आप इन्वेस्ट करना चाहते तो कर सकते हैं, कहीं पर भी कर सकते हैं, क्योंकि सूर्य आपकी लगन पर आ जाएंगे और सीधे सातवीं दृष्टि से सेवंथ हाउस को देखेंगे, तो यहाँ पर आप कहीं पर भी इन्वेस्ट करना चाहते हैं, गाड़ी घर वाहन कुछ भी लेना चाहते हैं या फिर शेयर मार्केट में भी पैसे लगाना चाहते हैं तो लगा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर भाग्य आपका काफ़ी अच्छा देखा जा रहा है। अब आइए चलते हैं कि आपका पारिवारिक जीवन कैसा रहेगा। दोस्तों जैसा कि आपके फोर्थ हाउस में शनि देव हैं तो कहीं ना कहीं से पारिवारिक माहौल तो इतना अच्छा नहीं रहेगा, लेकिन 15 नवंबर को शनिदेव मार्गी हो जाएंगे तो यहाँ पर आपको काफ़ी अच्छे रिजल्ट देखने को मिल सकते हैं। यहाँ पर बता रहे हैं कि फोर्थ हाउस से आपको अच्छे रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएंगे, जैसे कि फोर्थ हाउस होता है आपकी लग्जरी चीज़ों का, तो जो भी लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं और शनिदेव स्वयं की राशि में बैठे हैं तो ये चीज़ें बहुत ही बेहतरीन साबित होने वाली हैं वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए। तो ये समय आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाला है और जल्द ही आपको परेशानियों से छुटकारा भी प्राप्त होगा। तो दोस्तों यदि आप सभी को हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए।